तमदेव व संक्रांति के पर्व पर मीठे पेयजल की छबील लगाना व मिट्टी के बर्तनों का दान करना जम्मू की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन बदलते समय के साथ मिट्टी के बर्तनों की मांग में कमी आ गई थी। लोग स्टील के बर्तन खरीदने लगे थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के बीच लुप्त होती ये परंपरा फिर जीवित हो गई है। मिट्टी के बर्तनों में पानी स्वच्छ व ठंडा रहता है और इससे बीमारियां भी दूर रहती हैं। देखिए, मिट्टी के बर्तन जहाँ तक इनका सवाल है फिर से वापस आए हैं। एक ज़माना था जब लोग इसी में पानी पीते थे, खासकर गांव की अगर परंपरा देखें तो शायद वहाँ पे अभी तक ये परंपरा चलती थी, लेकिन शहर की तरफ ये इनका कभी रुख नहीं हुआ। लेकिन अब जिस तरह से हालात हैं, बीमारियाँ भी जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में लोगों ने बेहतर समझा है कि जो पुराने जिनको लोग पुराने जो लोग हैं वो कहते थे कि मिट्टी के बर्तन में पानी पीना बहुत अच्छा सेहतमंद के लिए होता था, तो शायद इसीलिए वापस आए हैं ये बर्तन। और मुझे लगता है कि सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरह के से हालात हैं शायद इससे हमारी सेहत जो है वो बेटर रह सके। यही कारण है कि इस बार तमदेह की पूर्व संध्या पर बाजार में मिट्टी के मटकों की जमकर खरीदारी हो रही है। मिट्टी के मटकों की बड़ी मांग को देखते हुए बाजार में आधुनिक डिजाइन में भी मटके आए हैं। रंग बिरंगे आकर्षित इन मटकों में नल भी लगे हैं और लोग इन्हें हाथों हाथ खरीद रहे हैं। पहले ज़माने में इसी से हम पानी पीते थे और इसकी जो बड़ी पुरानी सभ्यता है, आज के दौर हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में हमने देखा कि सड़कों के किनारे मिट्टी के बर्तन लगे हुए हैं, क्योंकि पुरानी परंपरा, लेकिन लोग इसे कम लेते हैं क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा, वो सभ्यता नहीं रही। लेकिन आपने देखा कि आज उस मिट्टी के बर्तन को किस तरह मॉडिफाई किया है, उसको किस तरह से नलके की शक्ल दी हो जो वहाँ से पानी निकलता है, मतलब एक हम कहेंगे कि इसको नए अंदाज से, लेकिन उसमें जो मिट्टी का बर्तन है वो तो मिट्टी वही लगी है, सब कुछ वही लगी है, सिर्फ एक अंदाज चेंज कर दिया हुआ है और ये काफ़ी अच्छा है हमारे। We'll be right back.